मीठी लगे मुझे तेरी पतिया, याद में जगो तेरी सजना, ओ सजना ओ सजना ओ सजना। भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई हाय एवरीवन, बैक टू बैक माय ट्यूब चैनल। तो गाइज, फिर भी मैं आपने जिस प्रकार का ट्रेंडिंग रील्स वीडियोटिंग देखा, तो कुछ इस प्रकार का अभी ट्रेंडिंग रील्स वीडियोटिंग करना सीखना चाहते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन एलाइट मोशन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास एलाइट मोशन एप्लीकेशन पहले से नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अलर्ट मोशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में दो प्रीसेट लिंक को इनपुट करना होगा, बीटमार्क और HDR इफेक्ट। तो मैंने दोनों प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आपको इनपुट कर लेना है अलर्ट मोशन में। और आपको इनपुट करने में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम SMS कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे प्लस के राइट साइड प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपको बीट मार्क प्रीसेट और शेक इफेक्ट यहाँ दोनों आपको शो करने लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो इमेज आप यूज करेंगे उसका जो रेशियो हो 9.60 होना चाहिए। यदि आपके पास 9.60 रेशियो का इमेज नहीं है तो आपको प्लस पे जाना है और 9.60 रेशियो सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और प्लस पे जाना है, मीडिया में जाना है और आपको यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और 3 डॉट पे जाके फिल कमिश्नरिया कर देना है। और आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, करेंट एंड फ्रेम PNG सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट पे टाइप कर देना है। तो यहाँ से आपका जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा। और इसे आपको यहाँ से सेव कर लेना है, फिर आपको बैक चले जाना है और बिटमार्क प्रीसेट को ओपन करना होगा और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है। और आपको यहाँ जितना भी ग्रीन बॉक्स दिख रहा है सब में आपको इमेज को ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार वाला पे क्लिक करना है और अभी जिस इमेज को आप क्रॉप किए उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर प्लस पे टाइप कर देना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इमेज ऐड हो चुका है। तो फिर आपको इधर चले जाना है और फिर दूसरा बॉक्स पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार वाला पे क्लिक करना है और सेम इमेज को ऐड कर देना है। तो जितना भी ग्रीन बॉक्स है सब में आपको सेम इमेज को ऐड करना है। तो मैं जल्दी से इस प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारा बीट में इमेज को ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, एक HDR इफेक्ट ऐड करना होगा। तो बैक चले आना है, HDR इफेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके सारे लेयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको कॉपी लेयर कर लेना है और आपको सबको बैक चले जाना है और बीट मार्क प्रीसेट को ओपन करना है फिर से और इसे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन के हो चुका है तैयार। अब वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एरो निशान पर क्लिक कीजिए, जिस रेशियो को डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है।